इंदौर के तेजालसी नगर में गुरुवार रात निर्माणाधीन सन्मति स्कूल की छत भदभदा कर गिर गई, जिसमें यहां काम कर रहे मजदूर उसके नीचे दब गए। आपको बता दें कि सूचना के बाद आसपास के गांव वाले और पुलिस मौके पर पहुंची, छत का मलबा हटाकर सभी मजदूरों को बाहर निकाला। जी हां, एक दर्जन मजदूर घायल हो गए। इसी बीच SDERF की टीम जॉब रेस्क्यू कर रही थी, तभी एक व्यक्ति शराब के नशे में SDERF की टीम के साथ बदसलूकी करने लगा। जब व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक चाकू भी मिला, जी हाँ, जिसको रेस्क्यू टीम ने पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं SDERF के जवानों का कहना है कि हम प्रशासनिक काम करते तो हमें ऊपर से आदेश होता है, और यह देखा गया कि सिविल पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला, उल्टा हमारे संसाधन एक व्यक्ति द्वारा छीनने की कोशिश की गई, और उसके बाद शराब के नशे में व्यक्ति SDERF के एक जवान के ऊपर गिर गया, जिससे जवान की कमर में चोट आई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। देखिए, पहली बात तो हम किसी प्रशासनिक काम से आते, ऊपर से हमें आदेश मिलता है, जो भी अधिकारी उच्च अधिकारी आदेश देते, तो हम अपना काम अपनी ईमानदारी से और अपने जैसे हमने सिखलाई पाई उस हिसाब से करते। पर यहाँ आने के बाद हमने देखा कि सिविल पब्लिक का हमें सपोर्ट उतना नहीं मिल पाया, और हमारे पास जो भी संसाधन है वो सरकारी है, तो हम उसको किसी अनजान आदमी के हाथ में नहीं दे सकते। और वो आदमी जो था वो हमसे छीन रहा था, हमारी जो टॉर्च थी जो कि हमें बहुत महत्वपूर्ण थी, अभी रात के समय में वो छीन रहा था, तो हमने उनसे कहा भी कि भाई वो मत करो ऐसे, ये हमारा सामान है। तो वो नशे के धुत में वो उसके ऊपर गिर भी गया, हमारे जवान के ऊपर गिर गया, उसको कमर में लगी भी, उसको अभी गाड़ी में बिठाया हमने, और उसके पास से एक चाकू भी बरामद, जो हमने पुलिस वाले के पास दे दिया। आपका नाम? मेरा नाम हेड कांस्टेबल सुभाष का सर, SDERF इंदौर से।